छह सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधन संघ ने जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार पांडे ने कहा कि कोरोना के वजह से सभी विद्यालय लगभग 10 महीने से बंद चल रहे हैं, जिससे सभी शिक्षक कम शुल्क लेकर कम आमदनी वाले अभिभावकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम करते आ रहे हैं और कुछ अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई में अपने बच्चों को जोड़ भी नहीं पाते। विद्यालय बंद होने की वजह से वित्त विहीन शिक्षकों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना राहत राशि में कुछ सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार पांडे ने कहा, मैं अभिषेक कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष गोरखपुर उत्तर प्रदेश विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हुए, जिसका हम लोग का मेन कारण है कि 10 महीने से लगातार आज तक हम लोगों के प्राइवेट स्कूल जो संचालक हम लोग हैं आज तक बंद चल रहे हैं। हम लोगों के विद्यालय से कम 20 से 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जो आज वो रोजी रोटी से काफ़ी दूर हैं, आज वो भूखों सो रहे हैं, किसी टाइम मिल रहा है किसी टाइम नहीं मिल रहा है। इसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोगों को जैसे कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो राशि सहयोग में दी गई है, हम लोग भी उसमें से कुछ अंश उसमें से दिया जाए, जिससे हम लोग के जो परिवार के लोग हैं उनका भरण पोषण हो सके। इसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है।